हाल ही 12वीं नैशनल वोविन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2023 जो कि 23 तो 26 अगस्त तक असाम गुवाहाटी के DTRP इनडोर नेहरू स्टेडियम विखे हुए, जिस विच जनरल सकत्तर कोच श्री पांडव राय की देखरेख हेठ पंजाब की टीम ने वक्-वक् उम्र और भार वर्गों में भाग लिया, जिस विच सर्वी शर्मा ने किड्स कैटागरी विच सिल्वर मैडल, अश्विता शर्मा ने सब जूनियर कैटागरी विच कांसी दे मैडल ते रणबीर सिंह पिंड खल्लू ने कांसी दा मैडल, अगमवीर सिंह गुराया ने जूनियर कैटागरी विच नियामत गुराया ने सिल्वर मैडल, प्रथम प्रीत ने सिल्वर मैडल जितया है। पेश है कपूरथला तो साडे पत्रकार विक्रांत प्रभाकर दी एह रिपोर्ट। सर मैं इस गेम प्रोफेशनल पर इतने बुला रहे हैं, घट कर 150 ऊपर हो गए थे। वैसे मैं लास्ट कह लो 10-12 साल तो इस फील्ड से है ना। कितने बच्चे आ रहे हैं सर? मेरे तो इस वेल अकेडमी से 25-30 बच्चे आ रहे हैं, तो बट जो बच्चे खेल रहे हैं कॉन्टिन थी वो 8-10 थी। जो 5 बच्चे का रिमार्क कर रहे हैं जी, उन्होंने बारे में कुछ क्या बताऊँ सर? उन्होंने बारे यही है कि देखो जो बच्चे रेगुलर साढ़े को आ रहा वो प्रैक्टिस कर रहा वा, तो वह रिजल्ट सारे सामने आया जी पूरे, मतलब दुनिया देखा गया लो, क्योंकि साढ़े जे इंटरनेशनल लैवल के रिश्तेदार ने या बच्चे के पेरेंट्स ने उन्होंने सारे देखा कि साडा बच्चा छोटे जे एरिया तो ट्रेनिंग करके अच्छे लैवल तक खेल रहा, तो रिजल्ट आ रहे, तो मतलब बच्चे प्रैक्टिस अच्छा कर रहे सर। उत्थे साढ़े जे मैडल से 2 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज से सर। एज अ कोच देखो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप हम ट्रेनिंग कराने जो बच्चा साडा खेल रहा, सूँ इस तरह महसूस होता कि जब मैं आप खेल रहा हुआ, इस करके मुझे अच्छे लगेगा जी। बिल्कुल सर बिल्कुल, इस वे जी सा बॉबिना मार्शल आर्ट गेम आसाम हुई, जोड़ा कि उसे शायद किसी पता ही नहीं पंजाब भी कि रिजर्व करता है, बट उसे साढ़े 7 बच्चे पार्टिसपेट कर रहे थे, कॉन्टीन्यूसली बच्चों के मैडल आ रहे थे, तो पंजाब सारे देख रहे थे भी हाँ भी पंजाब के भी बच्चे अच्छे है जो कि मैडल जीत रहे हैं सर। तो यही रेगुलर बेसिस कराटे की बॉक्सिंग बॉबिना वुशू ते हो जड़े साडे कॉम्पैक्टिव गेम ते काफी कुछ बिटे करदे हैं जी। साडे अकैडमी च बहुत बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, बच्चे काफी अच्छे ज्वाइन हो रहे हैं, जिहड़े कि रैगुलर बेसिस ते आ रहे हैं ते प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी तुहानूं पता ही है कि इह डिपेंड करदा पेरेंट्स दे उपर कि पेरेंट्स बच्चों लई की कर सकदा है ना, क्योंकि ये गेम थोड़ी जी तुहानूं पता सर्टिफिकेट वाली हैगी है सदा लग दी है, पर जो पेरेंट्स हौसले वाला होएगा ते उह बच्चे नूं रैगुलर भेजदा वा, जे मान लो हौसला छड्ड दे पेरेंट्स ते बच्चे कुछ नहीं कर सकदे। ठीक है, फ्यूचर की सोचा है सर? फ्यूचर से अं कोशिश ये कराएंगे जो साडे बच्चे है हले तो नैशनल तक चमक के आए हैं, तो आने वाले समय से इंटरनेशनल लैवल के भी अच्छा नाम रोशन कर, अच्छे मैडल जितन, तो होने वाले समय के बच्चे साढ़े पूरे दुनिया के सामने आए जो कॉम्पीटिशन सर। जो कॉम्पीटिशन ने पहला साढ़े डिस्ट्रिक्ट होया, फिर स्टेट होया, फिर नैशनल, इस तरीके इंटरनेशनल हो रहा है, जिसमें साढ़े सीनियर प्लेयर जो सीनियर टीम है उसने सालैक्ट होया गौरव, तो वो हम वियतनाम जा रहे हैं। थैंक यू। अगम जी कड़े स्कूल पढ़ते? विक्रम जी स्कूल। कड़ी क्लास हो? 7। अच्छा, तीन दिन से तुम इस अकेडमी जा रहे हो? लास्ट 2 इयर्स। लास्ट 2 इयर्स, ओके। तो फिर कितना पैसा दिया? मैं ये तो गोल्ड मनी चाहिए। गोल्ड मनी, कितने नंबर चाहिए? फर्स्ट नंबर चाहिए। ये कॉम्पिटिशन कितना होता है? ये सुबह का फीस है कुछ। ओके, चल बेटा बेटा से तो जो सर तुम करवा रहे थे याद है तुम्हें? ठीक है, मैडल जीते हो? मेरा कि महसूस हो रहा है? जिन्हें बहुत प्रैक्टिस की थी और फल भी दिखा। ओके, अगले कि हम अगले ब्लैक बेल्ट तक पहुँचेंगे और अगले इंटरनेशनल भी जाए। कितने कितने कॉम्पिटिशन? मैं का स्टेट, दूसरी का डिस्ट्रिक्ट और नैशनल सिलेक्ट होया सी शुरुआत विच, और चंडीगढ़ भी गया सी, तो और बाद च बॉबलन दा डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नैशनल। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम है शर्मा। क्या बात है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो?
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे कब से आ रहे हो आप? यहाँ पे अपने बोर्ड के पास कब से आ रहे हो देखने के लिए? कौन से स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? थर्ड में। अच्छा बेटे आप कहाँ कब से आ रहे हो यहाँ पे? फोर मंथ से आ रहे हैं। ओके आपको आप भी कॉम्पिटिशन में गए थे, जीत के आए हो, कंग्रेचुलेशन। अच्छा कौन सा मेडल जीता आपने? ब्रॉन्ज मेडल। और कहाँ कहाँ कॉम्पिटिशन किया आपने? ओके डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके ठीक है। जो आपके सर हैं वो आपको कैसे सिखाते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको? तो आपने फ्यूचर में क्या सोचा है? मैंने फ्यूचर में सोचा है कि मैं बड़े होकर सर के जैसी कराटे करूंगी। क्या बात है, थैंक यू। कौन से स्कूल पढ़ते हो? ओके कौन सी क्लास में? तो बेटा आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? क्लास टू में। क्लास टू में क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? मार्शल आर्ट्स कराटे वाला। तो कौन कौन सा कॉम्पिटिशन जीत रहे हो? डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स। ओके अभी कौन सा आपने मेडल जीता है? सिल्वर। आपको क्या फील हो रहा है? ओके तो आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? आगे क्या आगे जाना, यानी कि अपने सर का नाम और ऊंचा करना। थैंक यू बेटा। मेरा नाम कदमनीत सिंह है। बिल्कुल पूछ रहा हूँ डेप्थ का पूछ रहा हूँ। इन्होंने भी ट्रेनिंग कर रहे हैं बिल्कुल। मुझे 5 to 6 मंथ्स ही हुए थे ट्रेनिंग करते हुए। तुमने तो इधर मोड़ लगा काफ़ी वजिया है। प्रैक्टिस प्रॉपर ही हुई है काफ़ी वजिया, लेकिन इन्होंने रिजल्ट सामने आ गया। मैंने 5-6 मंथ से चले थे ट्रेन हो गए उसके नहीं आए। काफ़ी हद तक हो गए मेरे पास अजय, बाकी काफ़ी सीखने वाला भी गया है। ओके तो कितना मेडल? मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। ब्रॉन्ज मेडल ये 6 मंथ ही मेहनत? हाँ जी 6 मंथ्स हुए हैं मैनू ब्रॉन्ज मेडल। कितने कॉम्पिटिशन करते हो? मैं बॉबिनम का स्टेट के जितना विशु का डिस्ट्रिक्ट एंड विशु का स्टेट उसके बाद बॉबिनम का नेशनल। कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ सी, तो बाकी प्रैक्टिस देते ही देने ज़्यादा क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सर बारे की कहना चाहते हैं? सर बारे यही कि काफ़ी वधिया टीचर ने, मतलब प्रॉपर ही कराते हैं। जी चीज़ से डाउन होंगे कोई भी चीज़ के नाल ही देर बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। टाइमिंग वगैरह प्रॉपर मिल रही है? हाँ जी परफेक्ट टाइमिंग मिल रही है। जो एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा भी सर करा सकते हैं। थैंक यू।